नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है। सपा जिला उपाध्यक्ष रंजीत सिंह यादव ने गरीबों को उपलब्ध कराई राहत सामग्री। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री जोगेंद्र सिंह यादव ने झंडी दिखाकर किया वाहनों को रवाना। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के बीच समाजवादी पार्टी के लोग गरीब असहाय मजदूरों की लगातार सेवा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रंजीत सिंह यादव ने पीएसी कंपाउंड के नजदीक काशीराम आवास कॉलोनी में 300 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। समाजवादी पार्टी के जिला स्तरीय नेता जीटी रोड स्थित कार्यालय पर प्रातः 8 बजे एकत्रित हुए। वहां से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री जोगेंद्र सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की झंडी दिखाकर राहत सामग्री से लदे वाहनों को रवाना किया। सभी नेतागण जिला उपाध्यक्ष रंजीत सिंह यादव के साथ काशीराम आवास कॉलोनी पहुंचे, जहां पहले से ही मौजूद पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता व्यवस्था बनाए हुए थे। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोगों को पहले मास्क पहनाकर सैनिटाइजर से हाथ साफ कराए, फिर सूचीबद्ध तरीके से लोगों को बुलाकर वहां मौजूद नेतागणों ने लोगों को राहत सामग्री वितरित कराई। इस अवसर पर सपा जिला अध्यक्ष परवेज जुबेरी साहब, पूर्व विधायक अमित गौरव यादव, जिला महासचिव श्री भूपेंद्र प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष श्री तहसीलदार सिंह बघेल, जिला सचिव वेद यादव, अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार सागर, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह कश्यप, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष फहीमुद्दीन वारसी, नगर अध्यक्ष सरफराज अहमद बबलू, हसनैन चौधरी, आनंद यादव, अविनाश यादव जीतू, मुकेश सिंह धनगर, आलोक यादव, संदीप यादव, नागेंद्र यादव, गजराज सिंह यादव, विजय यादव प्रधान, प्रवीण शर्मा, गौरव प्रजापति, गौरव राजौरिया, संदीप श्रीवास्तव, सत्यवीर कश्यप आदि लोग उपस्थित रहे। एटा से पत्रकार अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का नंबर वन यूट्यूब चैनल पीपीडी खबर। आप पीपीडी खबर पर उत्तर प्रदेश की और देश की महत्वपूर्ण खबरों को प्राप्त कर सकते हैं। आप लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले YouTube पर आपको खबरें मिलती रहें। जय हिंद।